हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपके साथ अब कुछ चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन की वीडियो स्टार्ट की है, तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ इवेलन ग्लानी की एक्सप्लेनेशन। और इसी की जो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, तो जानते हैं कि इवेलन ग्लानी की लाइफ के बारे में। अब यहाँ पर जो बताया गया कि इन द वेरी बिगनिंग वो प्लेटफॉर्म पे वेट कर रही है, इनफैक्ट ये कहूँ अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे वेट कर रही है, और जहाँ बहुत रश है, और एवेलिन उनमें से एक है। डरी हुई है बिकॉज उसको जाना है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, एंड शी वॉज बेसिकली फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। एक स्कॉटलैंड की लड़की जिसको लंदन जाना हो, और वो भी इस सिचुएशन में जब उसके साथ कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज चल रही हैं, और उसको बस वो ट्रेन की वाइब्रेशंस फील हो रही हैं उसकी लेग्स में, उसके फीट पे ऐसा फील हो रहा है समथिंग इज कमिंग। अब यहाँ एक क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि शी वॉज नर्वस बट एक्साइटेड, और बिगेस्ट चैलेंज उसके सामने क्या था? डेफनेस। तो उसका रीज़न क्या था? उसका जो लॉस ऑफ हियरिंग है वो थोड़ा ग्रेजुअल था, बट उस टाइम उसकी जो एज अगर देखें, जब उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई तो जस्ट क्या थी? 8 ईयर्स। और वो वेट भी कर रही थी कि मैं पियानो वगैरह प्ले करूँगी। उसका नेम बुलाया गया बार 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 बार, लेकिन जब उसने रिस्पोंड नहीं किया तो टीचर्स को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसकी जो मदर हैं जिसका नाम है इसाबेल ग्लानी, उनको इस बात की श्योरिटी थी कि शायद जब उसके टीचर ने बताया कि शायद उसने सुना ना हो। लेकिन अप टू 11 ईयर्स इवेलिन में ने ये सब चीज़ें जो मैनेज करती चली गई, यानी किसी को शक ही नहीं होने दिया कि उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और इवन अपने फ्रेंड्स और टीचर्स को ज़्यादा इस बारे में भनक नहीं लगने दी। लेकिन उसके जो मार्क्स हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है, धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हुई। तो जो हेड मिस्ट्रेस है स्कूल की, हेड मिनिस्ट्रेस, उसने उसके पेरेंट्स को बोला कि उसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ। और बाद में पता लगा कि वो उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो सिवियरली इम्पेयर्ड हो चुकी है, और जिसकी वजह से उसका जो नर्व डैमेज हो चुका था, उसकी जो जो सुनने की एबिलिटी है वो अफेक्टेड हो चुकी थी। और साथ में ये देखिए कि वेलिन के पेरेंट्स को क्या बोला गया जब ये उनके पेरेंट्स को जो है डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ये या उसके जो हेडमिस्ट्रेस है उसको बोलती है कि आप क्या करो कि उसको एक हियरिंग एड्स वगैरह दे दो। उसको ये एडवाइस किया गया कि आप हियरिंग एड लगवाए, या फिर जो है एक ऐसे स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ ऑलमोस्ट सभी बच्चे ऐसे हों जिनकी सुनने की एबिलिटी कम हो। तो इवेलिन के लिए ये सब कुछ सुनना एक, कहते हैं ना कि ब्लैक हो गया ऑल ऑफ ए सडन मेरे सामने, और वो हार मानने वालों में से नहीं थी। तो वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, और अपने जो भी इंटरेस्ट हैं म्यूज़िक के उनको पाना चाहती थी। और ज़ाइलोफोन जैसे उसका जो एक दिन उसके माइंड में आया कि काश मैं ऐसा कर सकूँ, इसको प्ले करूँ। लेकिन उसके जो टीचर्स हैं, अब जैसे उसने एक लड़की को देखा बजाते हुए उसके मन में आया, लेकिन जो टीचर ने डिस्करेज कर दिया उसको। और परक्यूशनिस्ट, लेकिन इसी टाइम में ये भी कहेंगे कि ये रॉन फॉबिस हैं, उन्होंने एवेलिन के पोटेंशियल को देखा एंड उनको बोला कि देखो तुम मेरी बात मानो, तुम कुछ चीज़ों को ना सुनने की उससे मत देखो, लेकिन फील करने की उससे देखो। यानी जो है एक अपर पार्ट ऑफ बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी टू टाइप्स के ड्रम्स ले लिए, टू लार्ज ड्रम्स जो डिफरेंट नोट्स के थे। कहते अपने कानों से मत सुनो और इनको सिर्फ और सिर्फ ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो एवेलिन कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, यानी जो हायर ड्रम था वो वेस्ट अप से फील होता था, और जो लोअर है फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो फॉर्बिस जो हैं, रॉन फॉर्बिस, उन्होंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एवेलिन लर्नड हर माइंड, अब उन्होंने ये चीज़ देख ली अपने माइंड और बॉडी को कि कैसे मैं कैच कर सकती हूँ साउंड एंड वाइब्रेशंस को सारा फील किया, एंड द रेस्ट वाज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। इसके बाद जो चीज़ बचती है वो सिर्फ डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क बचता है। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट टाइम, इस टाइम के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब यहाँ है कि जो एवेलिन जो है वो यूके जाती हैं और यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ 16 की एज में, एंड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक अर लाइफ, और वो भी सोचते हैं कि म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लो। तो उन्होंने साथ साथ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया, और वन ऑफ द हाइस्ट मार्क्स थे उस हिस्ट्री में, अगर एकेडमी की हिस्ट्री की बात की जाए तो उनके मार्क्स बहुत अच्छा था। अब आप ये देखिए कि उनका जो यूके का टूर है वो 16 की एज में था, और जब टेस्ट वगैरह दिए स्कोर भी बड़े अच्छे आ गए। फिर उसके बाद ऑर्केस्ट्रल वर्क से वो सोलो परफॉर्मेंस में आ जाती हैं, पहले ग्रुप में थी फिर सोलो परफॉर्मेंस में आ गई, और 3 ईयर के कोर्स के बाद तो शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अब वो देखिए, अगर उनके
जो अवार्ड्स की बात आती है, यानी शी बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, और उनकी जो मास्टरी थी वो ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे थी, हजारों इंस्ट्रूमेंट्स उनकी नॉलेज थी उनको, और हेक्टिक इंटरनेशनल उनका शेड्यूल था। और ये भी अगर हम कहें कि बड़ा एक अच्छा लगता है कि एवेलिन जो फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि देखो एक ऐसी लड़की जो सुन नहीं सकती लेकिन फिर भी उसका जो परफॉर्मेंस है उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं होती है। अब वो कहते हैं कि उसे अगर टू टू आर की डिस्कशन की गई तो शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि जब 8 साल की ईयर तक उन्होंने जो कुछ सुना हुआ था वो उसको समझ के वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देती थी। जैसे वो एक बात तो जरूर मानती हैं, क्या मानती हैं, कहती मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। बुशी बियर्ड का मतलब होता है जैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, मूछी हो। उसका रीज़न क्या है कि वो ना कहती कि देखो उनकी आंखों में मुझे देखना पड़ता है, क्यों लिप्स उनके नज़र नहीं आते, क्योंकि मूछों के पीछे छिप जाते हैं, तो इसलिए वो कहती हैं ऐसा। कहती शी स्पीक स्कॉटिश वेरी वेल, स्कॉटलैंड की लैंग्वेज उनको अच्छी आती है क्योंकि वो 11 ईयर तक कुछ तो उनको आता ही था। बट हाउ शी न्यू जैपनीज एंड हाउ शी मास्टर्ड बेसिक जैपनीज, ये किसी को भी नहीं पता। चलो स्कॉटलैंड की लैंग्वेज उनको 11 साल की एज तक उन्होंने सीखी तो इसलिए उनको आती थी, बट जैपनीज कहाँ से सीख ली, सोचो आप, इट्स वेरी स्ट्रेंज। और म्यूज़िक के बारे में क्या कहती हैं, वो कहते हैं हर बॉडी के मेरे हर पार्ट में म्यूज़िक है, इट टिंजल्स एन ऑलमोस्ट प्लेजरेबल सेंसेशन फ्रॉम फ्राइट, यानी मेरी स्किन में, मेरी चीक बोन्स में, इवन मेरे बालों में भी। अब ज़ाइलोफोन प्ले करते हुए वो सेंस कर सकती हैं द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, एंड बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब ड्रम की वो उसके साथ थोड़ा लीन कर जाती हैं, थोड़ा लेट जाती हैं, लाइक उसको ऐसे सिर रख लेती हैं, तो शी कैन फील द रेजोनेंस, यानी ये डीप साउंड जो फील कर सकती हैं वो अपनी बॉडी में उसको वाइब्रेट होता फील होता है, नज़र आता है। तो एक वुडन प्लेटफॉर्म की अगर हम देखें तो शी रिमूव्स हर शूज़ ताकि वो वाइब्रेशंस को अपने फीट से फिर अपर लेग तक फील कर सके। अब देखो कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। 1991 में उनको मिला है रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द अवार्ड है। फिर मास्टर जो परक्यूशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेयर्स, वो उनके बारे में क्या कहते हैं, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं गॉड भगवान ने चाहे उनकी हियरिंग एबिलिटी ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफिस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसिस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से वो म्यूजिक को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। एन रिचलिन जो बीटहोवन के हैं, यानी ऑफ द बीथोवन के हैं, फाउंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो क्या कहते हैं कि सॉरी फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो क्या बोलते हैं, शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। देखिए जो बच्चे सुन नहीं पाते उनके लिए तो कहते हैं बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, वो प्रेरणा है, क्योंकि देखो जिन बच्चों को कुछ अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, तो एवलिन उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और उनको लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं जा सकते। एवलिन क्या कहती है, शी इज़ वर्कहोलिक, यानी उनको काम करने की बहुत आदत है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे काम पे जाना है। शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन, सब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ वो अपने कॉन्सर्ट देती हैं फ्री में, तो प्रिजन्स के अंदर, जेल के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर भी। एंड शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशंस, और जो यंग म्यूजिशंस हैं उनको प्रायोरिटी देती है क्लासेस देने के लिए, यानी इनको टीच करना एंड ऑल। उन्होंने परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पे ला के रख दिया है, मीन्स इतनी अच्छे से परफॉर्म करा है कि हर कोई लगता है कि इसको फ्रंट पे होना चाहिए इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। एंड शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल, हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन नॉट डू इट आई कैन, एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। अब देखो अगर किसी को लगता है ना कि नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा, लेकिन एवलिन को देखो तो आपको लगेगा नहीं यार, अगर वो कर सकती है तो वाई कांट आई। तो उस लड़की ने मिलियंस ऑफ पीपल को क्या दी है, खुशी दी है, और वो किस वजह से खुशी दे पाई है, बिकॉज शी हैज़ डन समथिंग एक्सेप्शनली वेल इन हर लाइफ। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एवलिन ग्लैनी। बट इसके साथ साथ आपको बिस्मिल्ला खान की स्टोरी और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज ये वीडियो मैं थोड़ी डिफरेंट वे से बना रहा हूँ, इससे पहले वाले मैं डेटा दे चुका था लेकिन इनको अपडेट किया है मैंने आपके लिए,
तो अगर किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और SST की रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।